त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद के सभी शराब के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापियों की बैठक जिलाधिकारी केवीएन पांडेन के अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं शराब विक्रेता मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा 5 मार्च को जारी निर्देश के अनुसार ही शराब विक्रेता अपनी दुकानों से शराब की बिक्री करेंगे, जिससे पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि दुकान मालिक लगातार अपनी दुकानों पर नजर रखें तथा दुकानों के अंदर एवं बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिससे किसी भी गतिविधि की जानकारी हो सके। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जनपद में कहीं भी जहरीली शराब नहीं बिकनी चाहिए। अगर किसी भी दुकान पर अवैध शराब या जहरीली शराब बिकने की शिकायत पाई गई तो दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन का सहयोग करें और लालचवश कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि कोई भी जनहानि हो सके। उन्होंने कहा कि चुनाव सकुशल संपन्न कराना सबकी जिम्मेदारी है और वे पूरी तरह से अपनी सहभागिता दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने कहा, हमें इस नियमावली में जो है इस बार कंपलसरी कर दिया गया है। पहले भी हमने पिछले साल भी लगवाए थे, पिछले साल नियमावली में नहीं था मगर इस बार नियमावली में भी है, वो अनिवार्य है। हर दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगना मैंडेटरी है, ना होगा तो जुर्माना होगा। जिसके सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए चालू हालत में हो, अपने सीसीटीवी कैमरे का आईपी एड्रेस आप पहले इंस्पेक्टर को दीजिए अपने सर के लिए, किसी भी हालत में ना हो एकदम। इसका कैंसिलेशन है 100% यहाँ बचत नहीं है। जिले में जो है दुकान पर दो मौका भी मुझे मिल गया पानी मिला हुआ, मैं कैंसिल करूंगा, कोई भी कुछ नहीं है। डीएम साहब का निर्देश है सख्त कि इस तरीके की कमी पे किसी भी दुकान को छोड़ना नहीं है। इसलिए पहले भी कार्रवाई हुई है इस तरीके की और ऐसी ही कार्रवाई होगी अगर जो है इस तरह की कोई कमी पाई गई। इसीलिए कह रहा हूँ सेलमैन, अब आप अगर आपको कह देते हैं कि साहब सेलमैन गड़बड़ी कर देता है, ये मान बने सेलमैन की गलती के लिए जिम्मेदार है मालिक, मालिक है, मैनेजर है, जो भी है वो सेलमैन के किसी भी गलती में जिम्मेदार है। तो कोई भी मिलावट किसी प्रकार का पानी कुछ नहीं मिलना है। हम लोग मदिरा का वितरण बढ़ा दें तो इसमें आपको सतर्क रहना है, स्टॉक रजिस्टर लगातार चेक करना है, अपडेट मिलना चाहिए और स्टॉक जो शेष रजिस्टर में है वही एग्जैक्ट स्टॉक इनकी दुकान पे मिलना चाहिए। तो इस स्टॉक रजिस्टर रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए, कहीं भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो दुकान को सील कर दीजिए। तो इनकी शॉप एरिया है उस एरिया को भी चेक करते रहिए, कहीं पर भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि मिले या कहीं पर सामूहिक रूप से बैठा के शराब पिलाई जा रही हो तो पुलिस विभाग को, प्रशासनिक विभाग को अवगत कराएं ताकि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। तो आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जो है आप सबको सीसीटीवी कैमरा लगने को देना है, तो आप सब ये इंश्योर करें कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगे और सीसीटीवी कैमरा लगते हैं तो उसके डीवीआर ऐसा होना चाहिए कि उसमें रिकॉर्डेड रहे, ये ना हो कि हम चेक करने जाए तो डीवीआर में रिकॉर्ड नहीं हो रहा था या सीसीटीवी कैमरा बना। जैसा अभी एडीएम सिटी साहब ने बताया कि 10 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं बेचना आप लोगों को, 10 बजे के बाद ये सीसीटीवी कैमरे चेक करके हम लोग इंश्योर कराएं कि वहाँ पर बिक्री नहीं होगी। लाइसेंस के लिए उस क्षेत्र में मदरा के विक्रम के लिए उस क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी भी प्रकार से अवैध शराब की, विशेष शराब की या जहरीली शराब की बिक्री की जाती है उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जनहानि होती है तो इसके लिए सीधे रूप से आप लोग जिम्मेदार रहेंगे। ट्रेंड जो चल पड़ी है प्रदेश में यार पिछले 2-3 साल में बहुत खतरनाक ट्रेंड है। पहले होता था कच्ची शराब तो बनती थी, आप लोग जानते हैं हर बड्डे में कहीं कहीं चोरी चुप करके बनाते हैं, कहीं कराते हैं, उससे लोग मरते नहीं। दूसरा कैटेगरी होता है तो फिर इलीगल तरीका है, मात्रा ज़्यादा है, मिलावटी होता है, कहीं ना कहीं नकली शराब बनाते हैं लोग, कहीं ना कहीं उस पर भी लोग मरते नहीं। बट अभी जो ट्रेंड बड़ा है बिल्कुल खतरनाक ट्रेंड है, उस पर क्या है लाइसेंसिंग दुकान पर जो बॉटल सील हुए बॉटल में जहरीली शराब मिलाया जा रहा उसी से मरे। पिछले 2 साल का पलट देते हैं, अभी का 10 दिन पहले की घटना में गिनता हूँ, बहुत सारे चीज पेपर में आया होगा, कुछ चीज पेपर में नहीं आया होगा।
हाल ही में प्रतापगढ़ में, अयोध्या में, यहाँ आपका प्रयागराज में, और भी यहाँ पूर्वांचल के आसपास नजदीक इलाका में ही है, बस्ती में कोई आसपास पास में जो लाइसेंसी दुकान में शराब जो पिए हैं जाने के बाद फिर आपने बहुत लोग तो मर गए हैं, कुछ लोग का किडनी फेल हो गया, कुछ लोग का आगे चले गए। तो इसको तो ये ट्रेंड तो कभी भी नहीं रहा, पिछले 3 साल में ट्रेंड है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है। हो सकता है आप लोग जाने अनजाने में आप लोग का साथी लोग ही नीचे लोग कुछ कर रहा हो, नहीं तो हो सकता है इनोसेंट हो, आपका अवज में यानी आपका शराब ले करके कोई ढाबा में मिला करके पिलाया जा रहा हो, उस पर आप लोग भी फंस जा रहे हो, ताकाय लग रही है, यानी जो हथियार का रहा होता है वो लगाया जा रहा है, इनमें से लगाया जा रहा है, आपको संपत्ति कितने आप लोग अर्जित किए से सब खुद को होकर के अटैच हो जाता है, यानी एक आदमी को बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। उसी टाइप का जो अभी चल रहा था कि ये तो एक तरफ भरोसा करके आपके कस्टमर आकर के आपका शराब पी रहा है, उसके अवज में आप लोग उसे जान ले रहे हैं, उसे कहा तो कोई क्षमा तो हो ही नहीं सकता है। जो डाइल्यूशन का मसला है मैं जानता हूँ, 2-3 दुकानदार करते हैं, बट अभी उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, कृपया करके कतई नहीं बोलना है, कतई नहीं करना है। डाइल्यूशन का फंडा गोरखपुर में आना नहीं चाहिए, आएगा तो कृपया करके दुकान सेंटर करने बात अलग है, नहीं चला पाऊंगा तो दूसरा नौकरी ढूंढ लो। तो दूसरा चीज है इलीगल आउटलेट बोलना है, यानी कुछ लोग होलसेलर रिटेलर वाले अपने ही 2-3 दावा खोल रखा है, नहीं तो अपने जान पहचान का दावा है, होटल है इत्यादि है, उसमें भी चलाते हैं। तो देखिए ये मना है, इसलिए तो ये रूल आया हुआ है, वैसे एसपी साहब ने आपके सामने पढ़ के सुनाया है, ताकि देखिए लाइसेंस हम धरले से सबको दे रहे हैं, बाल लाइसेंस भी, अब कितने होटल वाले कितने लोग अपने लिए सबको हम लोग दे चुके हैं, और वैसे वैसे हम लोग सरलता करते जा रहे हैं ताकि ये सभी लोग आ जाए, सब लोग ले लें। और एक सिस्टम जाने वाले हैं जो किसी पार्टी के लिए घर के लिए छोटी सी बात रखने चाहते हैं, वो भी छोटी सी लाइसेंस टेम्पररी ले करके वो करा सकते हैं, वो आपसे ही लेगा शराब, जो कितने हमारे होटल कितने उसके कंडीशन रहता है, तो होलसेल रिटेलर जो दुकान है सरकारी दुकानदार है आप उसे ही लें, इससे आपके ही सेल्स बढ़ेगा। एक तरफ से हम लीगली सारे चीज कर रहे हैं, इलीगल करने की जरूरत क्या है, कोई ढाबा में थोक मात्रा में कहीं मिलता है वो आप ही का यदि निकला हुआ शराब है तो फिर आप ही के ऊपर भी कार्रवाई होगा, केवल दावा वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वो कहाँ से वो उठा रहा है डब्बा, कहाँ से होलसेल में जो लेके आया है, कहाँ से ये सारे हरकतें कर रहा है, तो फिर उनको कितने कार्रवाई होता है उतने बराबर कार्रवाई आपके ऊपर भी होता है। इसलिए जो ये सरकार ने 5 मार्च में जारी किए हैं ये सीमा, इसको याद रखें जरूर, ये थोक बिक्री मना है, ताकि इस पर सभी डिटेल दिया हुआ है, एसपी साहब ने बताया ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर बियर में केवल 6 लीटर अलाउड है, बाकी चीज में लोकल अल्कोहलिक बेवरेज उसके 6 लीटर अलाउड है एक जन के लिए, बाकी सब में 1 लीटर 2 लीटर से ज्यादा एक व्यक्ति को नहीं देंगे, ये नियमावली है, आदेश है, आदेश को गजट में हो गया मतलब आदेश, और इसी का अवज में अभी तो खास तौर पर चुनाव में भी कुछ लोग आकर के थोक में आपसे ले सकते हैं, ले जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, कितने भी खरीदी व्यक्ति हो उनका कतई मत दीजिए, ताकि हम बरामद करेंगे तो उनको ऊपर कितने कार्रवाई होते हैं उतने बराबर कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी। इसलिए थोक आपका जो कितने जो वहाँ सेलर्स है जो काउंटर में बैठने वाले व्यक्ति को कह दीजिएगा, एक ही व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा है तो फिर ठीक है, बार बार ले रहा है तो मना कर दीजिए कि भाई एक ही दिन के लिए 24 घंटे के लिए इतने अलाउड है, अब एक दिन में इतने इससे ज्यादा हम देंगे दीजिए, और बोर्ड में भी बाहर लगा दीजिए, इसके लिखापढ़ी में एक बढ़िया से फ्लक्स लगा करके बाहर टांग दीजिए, 18 साल के नीचे बच्चे के तो बिक्री तो होना ही करना है, साथ साथ ये भी लगा दीजिएगा इतने इतने एक आदमी के लिए इतनी अनुमति है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आकर के ले लें, ताकि कोरोना की संख्या बढ़ रही है, कल एक ही दिन में 114 केस बढ़ गया है हमारा, और अभी बीआरडी में तो कल 50 पेशेंट हो गए, बढ़ती जा रही है संख्या, लखनऊ में पूरा बेड भर गया है। अब इसलिए तो खासतौर पर आपने आपके दुकान में जरूर भीड़ लगेगी, भारी मात्रा में लगेगी, एक छोटी सी माइक लगा करके बार बार घोषणा कर दीजिए तो थोड़ा दूरी बना करके, वैसे आप लोग लॉकडाउन खोलते समय में आप अच्छा व्यवस्था किया हो या कहीं से भी शिकायत नहीं मिली है वैसे ही व्यवस्था करिए, ताकि दोबारा भयंकर रूप से आ जाइए कोरोना, एंड ये जो आने वाला कोरोना में रोजाना मृत्यु भी शुरू हो गया, परसों में एक आदमी 48 साल का मर गया, रोजाना मृत्यु का संख्या भी बढ़ गया है, और फैलने वाले संख्या भी पिछले बार जो 17 अक्टूबर में पीक में था उससे पार कर चुके हैं, ये इतिहास से गोरखपुर तो बचा हुआ है, बट वेस्टर्न यूपी बहुत भयंकर रूप में इसमें प्रभावित है, खासतौर पर जो चुनाव में मुंबई दिल्ली से जो आने वाले व्यक्ति आए हैं होली मनाने के लिए, वो चुनाव के लिए लोग बहुत लोग पास हो गया है, जो सब लोग कोरोना लेके आए हैं मान के जाए, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे आपका दुकान भी फिर कहीं ना कहीं तो सेल्समैन चपेट में आ जाएगा, आप लोग भी चपेट में आ जाओगे।
हाँ देखिए, खासतौर पे जो शराब दुकानदार है, होलसेल वो रिटेलर, उन्हीं लोग का एक मीटिंग था। खासतौर पे चुनाव के दौरान इसका खपत भी बढ़ता है, उसका डिमांड भी बढ़ता है। कहीं आसपास कुछ जनपद में ऐसे भी सूचना मिली है जहरीली शराब और अवैध शराब, उसी के घटना की वजह कुछ ना कुछ नुकसान हो जा रहा है। हम गोरखपुर में सबको सचेत करने के लिए बुलाया है ताकि प्रधानी चुनाव में जो बिक्री के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, तो उसका वृद्धि भी होती है, उसका सावधान से और उसका तो शासन से दिया हुआ निर्देश का पालन करते हुए कराने के लिए हमने निर्देश दिया है। इस पर 5 मार्च में एक निर्देश भी आया है, जो भी व्यक्ति शराब लेने चाहते हैं 1 लीटर के ज़्यादा उनका देना मना है, ताकि वो मिसयूज़ कर सकता है, थोक में जा करके कहीं जमा करके उसको ज़्यादा रेट में बेच सकता है। इसलिए 5 मार्च को नया शासन आदेश उसको भी पढ़ के सुनाया गया है, और बाकी कहीं कहीं भी सूचना मिलता है उन्हीं के माध्यम से हमने अपील किया है, उसको हमें जिला प्रशासन को बता दें ताकि इसी टाइप का घटना जो गलत घटना ना हो जाए, और उसी के लिए मीटिंग था, वो मीटिंग समाप्त हुई।